नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चिकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप लोगों के सामने रखा हुआ है एक टोन कंट्रोल, जो कि हमारा NE5532 IC देकर है। मोनो टोन कंट्रोल है, जिसके अंदर हमारा बेस ट्रेबल विथ मिड है। तो इसके अंदर मिड अवेलेबल है, तो आप लोग जानते ही हो मिड जिसमें अवेलेबल रहता है उसमें साउंड का क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो हमारा जो स्टीरियो वॉश ट्रेबल है, आप लोगों को मैं उसका PCB दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो वॉश ट्रेबल है आप लोग देखिए, तो इसका वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इसका जो क्वालिटी है मैंने वीडियो में दिखाने का कोशिश किया है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाले वीडियो में, इसका जो क्वालिटी है बेस्ट ट्रेबल मीट का जो क्वालिटी है इसको हम लोग दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जो बेस्ट ट्रेबल मीट का जो बोर्ड है, ये जो बेस्ट ट्रेबल मीट का बोर्ड है, इसके अंदर हमने जो डायरेक्ट सप्लाई है उसको इस्तेमाल किया है। ये आप लोग देख सकते हो, जो कि हमारा पावर सप्लाई है, 10,000 mAh 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, और इसको हमने डायरेक्ट इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करके रखा है, जिसके अंदर हमारा जो 100 वाट का, हालांकि ये 75 वाट 80 वाट आउटपुट करेगा, ये वाले बोर्ड को इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर हमारा C5198-1941 लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले बोर्ड को मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो हैंडमेड PCB के अंदर बना हुआ है। और इसका अगर आप लोग कंप्लीट बोर्ड देखना चाहते हो, तो वो वाला बोर्ड है हमारा, ये वाला 100 वाट का किट आप देख सकते हो, ठीक है। इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट करूँगा, ये वाला बोर्ड आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे एम्पलीफायर बनाते हो तो 100 वाट का किट आपको ये वाला मिलता है। तो 100 वाट का किट दिखा दिया, तो ये वाला मेरा टेस्टिंग पर्पस के लिए है। और यहाँ पर आप लोग पावर सप्लाई देख सकते हो, 10,000 mAh 100 वोल्ट का कैपेसिटर है। आप लोगों को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, जुंजल कंपनी का है, 10,000 mAh 100 वोल्ट का कैपेसिटर। इसको मैं टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर जो पहले के वीडियो में आप लोग देख सकते हो, इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख सकते हो। LED व्यू मीटर का, जो कि है 6 LED में, एक LED जलता है लाइन देने के बाद, और 5 LED ग्लो करता है ऑडियो सिग्नल इनपुट होने के बाद, तो ये वाला। और इसके बाद और एक LED व्यू मीटर आ रहा है, जो कि 10 LED में होगा, और डॉट मोड, ऑब्वियसली उसमें डॉट मोड भी अवेलेबल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, और आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो लोग मुझको सपोर्ट करते हो उनको तो फिर से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के वजह से ही मैं वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन मिलता है ना, आप लोगों के वजह से ही मिलता है। तो सही में आज आप लोगों के सामने मैं साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा इसका, ए वाले बोर्ड के ऊपर, ए वाला बास ट्रेबल मीट का, उसके साथ विथ व्यू मीटर भी कनेक्शन किया गया है। आप देख सकते हो स्पीकर लाइन, जो कि है हमारा 200 वाट हैंडमेड स्पीकर के ऊपर, ठीक है। इसका वीडियो मैंने नहीं डाला था, ये वाला हैंडमेड स्पीकर के ऊपर। तो आप लोग चैनल में बने रहे तो मैं स्पीकर का भी वीडियो डालूंगा। तो इसमें हमारा देख सकते हो आप, ये देखिए, ये इनपुट दिया गया है LED कार्ड में, तो और ये वाला है स्पीकर का लाइन। तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसको चार्ज करेंगे और देखेंगे। और ये वाला है हमारा ट्रांसफार्मर, जो कि इसके पहले वीडियो में आपने देख लेना, और हो सके तो मैं आई बटन में डाल दूंगा इस वाले ट्रांसफार्मर का डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो में आप, मैं इसका वोल्टेज तो नहीं दिखा पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा, जो कि इस ट्रांसफार्मर से ही चलता है, आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। और थोड़ा चेंज किया है मैंने मेरा जो काम का सेटअप है। अरे यार माफ़ करना भाई, ये बुलेट में क्या कर रहा है बंदे लोग, दुकान तो रास्ते के पास है। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो रिपेयरिंग का काम चल रहा है, ये वाला टेबल के ऊपर मैं काम आप लोगों को मैं वीडियो करके दिखाता था। तो अभी मैंने क्या कर दिया है, अब शटर को मैंने बंद कर दिया है, और यहाँ पर थोड़ा सेटअप चेंज कर दिया है, जहाँ पर नया नया बोर्ड टेस्टिंग होगा, तो इस वाले टेबल को मैंने सेट कर दिया है। यहाँ पर और भी काम बाकी है, तो मैं धीरे धीरे कर लूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ें, तो आप देख सकते हो 3030 का ट्रांसफार्मर है, जो कि हमारा 8 एम्पीयर देता है, तो उसके ऊपर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वाला ट्रांसफार्मर कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, वो भी देखने के लिए आपको चैनल में जुड़े रहना पड़ेगा। और इसके ऊपर हम लोग देखिए, इसमें एक सप्लाई से मैंने फ़ैन को लाइन दिया गया है 12 वोल्ट, उससे ही मैंने ये जो LED कार्ड को मैंने लाइन दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ से दो काम मिट रहा है। और यहाँ पर और एक 0-12 का ऑप्शन है, जो कि है 0-11, इसमें हमारा ब्लूटूथ कार्ड चलेगा। और हमारा जो मेन सप्लाई है, आप देख सकते हो मेन सप्लाई से ही मेरा जो बास ट्रेबल रहता है, और ये वाला भी
देख सकते हो, ये सब कुछ आपका मेन सप्लाई से ही चल जाएगा। जो मेन आपका पावर एम्प लेगा वहाँ से ही हमारा जो सप्लाई है यहाँ से चल जाएगा। तो कोई एक्स्ट्रा 0-12 या फिर 12-0-12 या फिर 15-0-15 का कोई सप्लाई का ज़रूरत नहीं रहता है। तो अभी करते हैं हम लोग इसको चार्ज और आपको साउंड सुना के दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने ये दे दिया लाइन को इनपुट। चलिए, फ़ैन का आवाज़ आपको आ रहा है, ठीक है, एकदम तगड़ा घूम रहा है, ठीक है, कूलिंग कर रहा है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो 200 वाट का लोड है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, साउंड को मैंने स्टॉप करके रखा है तो उसको हम लोग खोलेंगे। चलिए, अभी यहाँ से आप वॉल्यूम को ओपन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को साउंड टेस्टिंग अच्छा लगा होगा। तो मैं खोल देता हूँ अभी, ठीक है। तो मेरा आप लोग अगर फेसबुक में देख रहे हो तो मैं आपको और एक गाने में टेस्टिंग करके, जो कि बेस वाला गाना होगा, उसके ऊपर टेस्टिंग करके मैं फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करने वाला हूँ इस वाले वीडियो को। तो आपको फेसबुक में जाके स्पीकर चेकर ही सर्च करना पड़ेगा। तो स्पीकर चेकर में आपको एक लोगो वाला, ब्लू लोगो वाला मिल जाएगा, जो कि हमारा स्पीकर चेकर 2.0 करके यूट्यूब पर चैनल है, उसका लोगो आपको मिल जाएगा आपका स्पीकर चेकर चैनल के ऊपर, जहाँ पर अभी तो 12 फॉलोअर्स है। तो आप लोग जाके वहाँ पर फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसके ऊपर आप लोग आपको मैं और किसी गाने के ऊपर आपको वीडियो करके मैं दे पाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको साउंड टेस्टिंग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के भी शेयर कर देना। और ऐसे ही बोर्ड अगर आपको परचेस करना है मुझसे तो आप लोग जाके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग वाला वीडियो ले